सो गाइस, अगर आपने अब तक बैटमैन का बदला पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप जाकर उसे देख ले, क्योंकि अगर आप बैटमैन का बदला पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको पूरी स्टोरी समझ में नहीं आएगी। यार, इन पुलिस वालों ने फिर से मुझे अरेस्ट करके अंदर डाल दिया था। यार मतलब इन पुलिस वालों को ज़्यादा नहीं हो रहा है, मतलब कि मैंने बस एक आदमी को गोली तो मारी थी और वो मना भी नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। मैंने ज़्यादा कुछ बड़ा जुर्म तो नहीं किया था, लेकिन मैंने जमानत दे के छूट भी गया। और यार, इन पुलिस वालों ने मुझे पूरे एक दिन तक जेल के अंदर रखा। जेल के अंदर इतने मच्छर थे भाई साहब, मेरे बदन में एकदम दाना दाना हो गया। खैर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ घर पर रेस्ट करने के लिए। और एक मिनट, ओ भाई साहब, मेरे तीनों गराज खाली क्यों है? अबे मेरे गराज में से गाड़ियां किधर गई? अबे ये क्या चालू है? मेरी गाड़ियां किधर गई? कहीं वो फूट तो नहीं गई ना? क्योंकि हमारे डूडपुर में गाड़ियों में ऐसे सिस्टम लगा रहता है कि अगर वो गाड़ियां फूट जाएंगी तो वो अपने आप ही थोड़ी देर बाद गायब हो जाएंगी। नहीं, फूट नहीं सकती मेरी गाड़ियां, मेरी प्यारी सुपर गाड़ियां फूट नहीं सकती हैं, ज़रूर किसी ने चुराई होगी। फ्लोर गैंग से पूछता हूँ, फ्लोर गैंग मेरी वफादार और फ्लोर गैंग में से डरती भी बहुत है। फ्लोर गैंग से पूछता हूँ, उन्होंने ज़रूर देखा होगा। अरे भाई फ्लोर गैंग, तुम लोग को कुछ पता है क्या? इससे पूछता हूँ, अब ये तो VR देख रहा है, इसको क्या पता होगा। हाँ इससे पूछता हूँ, इसने ज़रूर देखा होगा। हाँ भाई चश्मे बुद्धू, तूने किसी को देखा था क्या मेरे घर के आसपास, या फिर मेरी गाड़ियाँ चुराते हुए? जल्दी बता। अरे हाँ जैक भैया, हाँ, वो कल ना रिची भैया आए थे और रिची भैया रॉकेट लॉन्चर लेके आए थे, उन्होंने आपकी सारी गाड़ियाँ रॉकेट लॉन्चर से फोड़ दी। क्या, रिची ने मेरी सारी गाड़ियाँ रॉकेट लॉन्चर से फोड़ दी? अबे क्या बकवास कर, तू पागल हो गया क्या? अरे नहीं जैक भैया, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं तो आपको वफादार हूँ, कम से रिची भैया ने फोड़ी। हाँ वैसे सही बात, ये झूठ क्यों बोलेगा, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा रिची ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मतलब कि मुझे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्यारा है, मेरी सुपर कार्स, रिची ने उन सुपर कार्स को फोड़ दिया। मतलब भाई की कोई इज्जत ही नहीं है यार, नहीं लिटरली कोई इज्जत ही नहीं है। पता नहीं रिची ने ऐसा क्यों किया, रिची से मुझे बात करना पड़ेगा। यार रिची ना हमेशा ऐसे ही कुछ करता, पगला जाता है लगता है रिची बुढ़ापे में। खैर कोई बात नहीं, मैं रिची से बात करता हूँ, ज़रूर रिची को कोई गलत फहमी हुई होगी। लेकिन यार मैं तो पिछले एक दिन से जेल के अंदर था, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तो यार क्या हो गया रिची को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ और रिची से बात करता हूँ। और ये क्या बैट मोबाइल? अरे भाई साहब, रिची के पास बैट मोबाइल कब आई? ये तो बैटमैन की बैट मोबाइल है, रिची ने कब चुराया मेरे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कब चुराया उसने। चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ और रिची से बात कर लेता हूँ। हाँ रिची, मुझे तुमसे बात करनी है। यार फ्लोर गैंग ने मुझे बताया कि तुमने मेरी सारी सुपर कार्स फोड़ दी, यार तुमने ऐसा क्यों किया मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरा आपको बताओ यार। वाह वाह जैक वाह, क्या एक्टिंग करते हो तुम, मतलब तुम तो ऐसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। याद करो, तुमने मेरी बैट मोबाइल चुरा ली थी और चुराने के बाद तुम्हें कोई डर भी नहीं है, मतलब कि तुमने अपने गैराज में एकदम खुल्लम खुल्ला उस बैट मोबाइल को पार्क कर दिया। मतलब कि ये भी नहीं कि मैं उसे कहीं छुपा दूँ, लेकिन तुमने तो एकदम खुल्लम खुल्ला पार्क कर दिया, तुम्हें कोई डर नहीं है ना जैक, है ना? क्या, मैंने तेरी बैट मोबाइल चुराई थी? रिची तू पागल हो गया क्या? मैं पिछले एक दिन से जेल के अंदर बंद था, मैं तेरी बैट मोबाइल कब चुराऊंगा? बस जैक बस, तेरा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। मैं अपना गुस्सा बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करके बैठा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ तू मेरी नज़रों के सामने से चला जाए, इससे पहले कि मुझे कुछ गलत कदम उठाना पड़े और तुझे कुछ चोट पहुँचाना पड़े। इसलिए तू मेरे नज़रों के सामने से चला जाए, चला जा। अरे रिची मेरी बात तो सुनो, मैंने तुम्हारी बैट मोबाइल नहीं चुराई है, प्लीज़ मेरा विश्वास करो रिची, मैंने तुम्हारी बैट मोबाइल नहीं चुराई है दोस्त। जैक, इससे पहले कि मैं अपने आप से बाहर हो जाऊँ, चले जाओ मेरी नज़र के सामने से। मैं अपना गुस्सा बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करके बैठा हुआ हूँ, चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें ऊपर पहुँचा दूँ, चले जाओ जैक। अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम एक बहुत बड़ी गलत फहमी में आके हमारी दोस्ती तोड़ रहे हो रिची, तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे, अभी भी वक्त है, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, क्योंकि मैंने तुम्हारी बैट मोबाइल नहीं चुराई है, प्लीज़ मेरा विश्वास करो। जैक मैं बेकाबू हो जाऊँगा, मैं अपने आप से बाहर आ जाऊँगा, मेरे नज़रों के सामने से चले जाओ, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा, चले जाओ मेरे नज़रों के सामने। अच्छा जी ठीक है मैं जा रहा हूँ रिची। अब मेरे को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है, रिची को देखा मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था और उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने उसकी बैट मोबाइल चुराई तो नहीं है, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अब इसकी बैट मोबाइल गई। 3, 2, 1, go मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है, मुझसे, मैं हूँ जैक द गैंगस्टर और वो मुझे अपने घर से निकाल रहा है। मिल गया ना उसको सज़ा, टूट गई उसकी बैट मोबाइल, तबाह कर दी मैंने, मेरे से पंगा लेगा, मैंने भी बता दिया उसको।
ओ भाई साहब, ये इतनी तेज आवाज किसकी थी? अरे नहीं नहीं, मेरा बैट मोबाइल, मेरा बैट मोबाइल क्या हो गया तेरे को? मारो डीखरो, मारो जिगर का टुकड़ो, कसम है मुझे तेरे इंजन ऑयल की, जब तक मैं जैक को ना मार दूं मैं शांति से नहीं बैठूंगा। आज इस सूरज को साक्षी मानते हुए मैं शपथ लेता हूँ, जब तक जैक का कटा हुआ सर अपनी बैट मोबाइल के चरणों में ना चढ़ा दूं, तब तक पूरा नहीं होगा मेरा बदला। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था, एक गाड़ी के लिए अपने दोस्त को जान से थोड़ी मारूंगा, लेकिन मैं जैक को छोड़ने नहीं वाला हूँ। उसे मैं मारूंगा, बहुत बहुत ज़्यादा मारूंगा, उसे हॉस्पिटल पहुँचा दूंगा। 6 महीने तक वो हॉस्पिटल से उठ नहीं पाएगा, उसकी मैं ऐसी हालत कर दूंगा। उसने मेरी बैट मोबाइल को फोड़ दिया, मेरी प्यारी बैट मोबाइल। अबे मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, अबे ठुक गई, मुझे बेहोशी हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस जैक को पता नहीं कि उसने क्या किया है, उसने रिची की नहीं बल्कि बैटमैन की बैट मोबाइल को तबाह कर दिया है। मैं उस जैक को नहीं छोड़ूंगा, उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे नहीं पता कि उसने रिची से नहीं बल्कि बैटमैन से पंगा लिया है। उसे मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं, उसने मेरी सुपर पावर्स का अंदाज़ा नहीं। मैं जैक को नहीं छोड़ूंगा। उस जैक के बच्चों को नहीं पता कि अगर मैं उसे एक चाटा मार दूं तो वहीं पे मर जाएगा, लेकिन मैं उसे एक चाटे से नहीं मारूंगा, उसे तड़पा के मारूंगा, उसे बहुत गलत मौत दूंगा। मेरी बैट मोबाइल को तबाह करने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा। जैक मैं आ रहा हूँ। तो मैं पहुंच चुका हूँ जैक के घर, और मैं जैक को ऐसे नहीं मारूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा। मैं रॉकेट लॉन्चर लेके यहाँ पे जैक का इंतज़ार करता हूँ। जैसे वो बाहर निकलेगा, बूम। यार उस रिची ने पूरा मूड ख़राब कर दिया, पर मैंने भी उसकी बैट मोबाइल फोड़ के बता दिया कि मैं हूँ जैक द गैंगस्टर, मेरे को घर से निकालेगा मेरे को। हाँ नहीं तो जानता नहीं मैं कौन हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं गाड़ी में बैठ के गई घूमने चलता हूँ। और ये ओके, ये बंद क्यों हो गई? अबे चालू हो जाए, बंद क्यों हो गई? अबे चालू हो जाना। ओ भाई साहब, मेरा किस्मत कितना अच्छा है, जैक की गाड़ी बंद हो गई है। अब तो जैक गया, 3, 2, 1। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हो चुकी है जैक की मृत्यु। मेरे बैट मोबाइल को तबाह किया था उसने, मैंने उसकी फॉर्मूला और उसको एक साथ तबाह कर दिया। आखिर मैं हूँ बैटमैन, उसे मेरी पावर्स का अंदाज़ा नहीं था। उसे नहीं पता उसे किसने पंगा लिया था, आखिर उसकी मृत्यु हो ही गई। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? अच्छा हाँ, मैं रिची हूँ, और मैं जैक को मारने के लिए जा रहा था, जैक की पिटाई करने के लिए जा रहा था, और इस पेड़ से टकरा के मैं बेहोश हो गया था। लेकिन अब मैं चला जैक को पीटने के लिए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे नहीं पता उसने किसकी बैट मोबाइल फोड़ी है, हालांकि उसने बैटमैन की बैट मोबाइल फोड़ी है, लेकिन उस टाइम वो बैट मोबाइल मेरी थी, मेरी, ठीक है, वो बैट मोबाइल मेरी थी। इसलिए मैं जैक को नहीं छोड़ूंगा, बहुत पिटाई करने वाला हूँ इसकी। कम से कम वो 6 महीने तक हॉस्पिटल के बेड से नहीं उठेगा, और मैं जैक को नहीं छोड़ूंगा। जैक बाहर निकल, जैक दम है तो बाहर निकल। ओ गेट तो बंद है, लगता है जैक घर पे नहीं है। हाँ, सच में घर पे नहीं है वो तो। चलो कोई बात नहीं, फ्लोर गैंग से पूछता हूँ। फ्लोर गैंग जैक की वफादार है, और फ्लोर गैंग जैक की चमचा भी है, तो फ्लोर गैंग को जरूर पता होगा। चलो जल्दी से पूछता हूँ, और एक बार मुझे जैक का पता चल गया तो बेटा जैक तो गयो, जैक तो पिटना पक्का है। चलो फ्लोर गैंग आ गया, अब उनसे मैं पूछता हूँ। हाँ भाई हैरी पॉटर, क्या तुमने जैक को देखा है? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया है वो? अरे अरे रिची भैया, अच्छा आप आ गए, अभी जो मैंने देखा, उसको देखने के बाद मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ। ये देखिए मेरे हाथ कैसे हो गए, मैं बहुत कांप रहा हूँ रिची भैया। अरे क्या देखा तुमने, मुझे बताओ तो सही। रिची भैया, मैंने देखा कि जैक भैया अपने घर से बाहर निकले, और वो अपनी गाड़ी में बैठे, और तभी कोई पीछे से आया और इनकी गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर मार दिया, और जैक भैया वहीं पे मर गए। क्या क्या बकवास कर रहा है तू, पागल हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैक मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। जैक मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। जैक ऐसा नहीं हो सकता। कौन था वो? अरे रिची भैया, मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे जाना है, तो मैंने कुछ नहीं किया।
नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा जैक मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मेरा जैक वापस आ जा, मेरा जैक मुझे छोड़ के मत जा, जैक वापस आ जा। सो गाइज, आप लोग को मेरी एक्टिंग कैसी लगी मेरे को बताना, मेरे को बहुत हंसी आ रही है। और अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो इस वीडियो पे मुझे चाहिए 500 लाइक्स, तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग 500 लाइक्स कर दोगे। और यार तुम लोग बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि जब मैं पार्ट 3 डालूँ तो तुम लोग को फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ठीक है। और गाइज यार मेरी एक्टिंग कैसी लगी बस तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना यार, कुछ नहीं हंसी आ रही है मतलब कि। चलो ठीक है गाइज, मैं मिलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।